इस समय हम मौजूद हैं राजभवन में, जहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाती हैं, उनको रोजगार देने का काम भी करती हैं। यहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहां पे खाने पीने की चीज़ें भी लगी हुई। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी वो दिखाएंगे यहां पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, वो स्टॉल में ना तो हाइजेनिक है और घरेलू है यहाँ पर लगे हुए हैं। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर सजावट का सामान भी लगा हुआ है, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए भी हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, यहाँ के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनसे जुड़े यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनसे जानेंगे कि आखिर क्या खास है ये यहाँ पर। ये वर्चस्व की तरफ से हमारा नाम मान सिंह है, हम वर्चस्व टीम में हैं और जिसकी अध्यक्षा जो है मैडम प्रतिभा बालियान जी हैं, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जेनेटिक हैं, जो दुहानी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम करती हैं। ये ऐसे महिलाओं को, ऐसे ग्रुप को, ऐसे बच्चों को ढूंढती हैं जो निराश हो, उनको जागरूक करती हैं कि आप कुछ काम करिए। यही स्टाइल है जो इन सारी इनकी जागरूक की महिलाओं द्वारा ये कपड़े बनाए गए हैं। और यहाँ पर उनके बच्चे हैं जिनको मैडम इनको प्रमोट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस की ये संस्था है। और इसमें इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सामान जो यहाँ पर उनको बनाया द्वारा बनाया गया है वो बिके और उनको आर्थिक लाभ हो, उनको जागरूकता फैले और वो लोग जो हैं आगे बढ़ करके अपने उत्थान के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए और समाज में भागीदारी निभाने के लिए अच्छी तरह कार्य कर सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। इस दुकान को, दुकान नंबर 33 हमारा काउंटर है, हम लोग प्रयास करें अधिक से अधिक लोग से लो, जो हमारा माल है वो मार्केट में बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। यही हमारी शुभकामनाएं हैं वर्चस्व टीम के लिए, और आपको भी धन्यवाद आप यहाँ पर आए। और हमारे सहयोगी शेख जी हैं, ये भी इसके बारे में आपको बताएंगे। सर ने बताया कि महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे जो वर्क कर रही हैं वही हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस से इस प्राइस में कितना डिफरेंट है, क्यों आपका मतलब क्या क्वालिटी है, क्यों खरीदे पब्लिक? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं अभिषेक शर्मा हूँ और वर्चस्व संस्था से पिछले कुछ सालों से जुड़ा हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पहल होती है समाज की तरफ से, जो उसमें सरकार का, शासन का, प्रशासन का, सबका बहुत सहयोग होता है। और सरकार की कोई भी नीति हो, जब तक समाज के जागरूक लोग खुद जागरूक होके समाज के हर तबके को उससे जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो नीति सफल नहीं होती। जो नेतृत्व हमारे देश को पिछले 8 वर्षों से मिला हुआ है, उसकी ये खासियत है कि उसने समाज के हर वर्ग को जगाया है, क्रांति पैदा की है, और उसी में वर्चस्व जैसी संस्थाओं को वो मौका मिला है। प्रतिभा मैडम जैसी लोग सक्रियता के साथ आगे आई हैं और उन्होंने समाज के उन सारे संभ्रांत लोगों को, सक्षम लोगों को जोड़ा है जो अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हैं, लेकिन वर्चस्व के साथ मिलके एक ही लक्ष्य की प्राप्ति में साथ साथ चल रहे हैं। तो अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, जो आपने सवाल पूछा कि जो यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे मार्केट रेट और इसमें क्या फ़र्क है और क्वालिटी में क्या फ़र्क है। देखिए, ये जिन महिलाओं के द्वारा बनवाया गया है उन्हें इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले सिर्फ घर का काम करने आता था, उन्हें और कुछ नहीं आता था। प्रतिभा मैडम और वर्चस्व के माध्यम से उन्हें इस काम को करने के लिए ट्रेनिंग दिया गया, सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया गया, उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया अभी लखनऊ महोत्सव में, और आज राजभवन में स्टॉल नंबर 33 पे जितने प्रोडक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं उन सारे प्रोडक्ट की खासियत है कि उन्होंने अपने घर पर तैयार किए, जिसका सरकार की तरफ से और प्रतिभा मैडम की तरफ से उनको सामान दिया गया पहले, और बिना किसी फायदे नुकसान के, बिना किसी प्रॉफिट निकाले, केवल लागत पर वो यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ज़्यादातर सामान महिलाओं से और बालिकाओं से रिलेटेड है, क्योंकि एक नारी शक्ति की मुहिम है, नारी को सम्मान दिलाना है, उसको सक्षम बनाना है, हर तरह से उसको आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक नए उदाहरण के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हैं, प्रतिभा जी ने उन्हीं को सम्मानित करते हुए उन्हीं को संकल्पित किया है ये पहल जो है। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं उसमें मॉडर्न प्रोडक्ट भी हैं, जैसे मोबाइल रखने का कवर भी मिलेगा, टैग बैग भी मिलेगा, कोस्टर भी मिलेंगे,
छोटे जो वेडिंग प्लानिंग में आप बड़े बड़े इवेंट कंपनी पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो भी मैडम ने अपने बच्चों से बनवाया है। और उसका रीज़न ये है कि बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हों, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने वाले समाज के उस वर्ग से हैं जो अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं और काम करवा कर आम जनता तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक माध्यम है। अभी अगर इस पर किसी इंटरनेशनल कंपनी का ठप्पा लग जाएगा, किसी का टैग लग जाएगा एसोसिएशन का, तो शायद ये 200 रुपये में मिलने वाला सामान आपको 2000 रुपये में मिलेगा। लेकिन वो प्रतिभा जी का लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। वर्चस्व संस्था का उद्देश्य समाज सेवा करना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और जो भी नेतृत्व में जिस जिस क्षेत्र में लोग लगे हैं उन सब की मुहिम को एक साथ लेते हुए नारी को, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं पूनम गुप्ता और मैं जन शिक्षण के संस्थान से मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेती भी हूँ, दिलाती भी हूँ बाकी बच्चों को भी। और वर्चस्व वेलफेयर से मैं जो है मैं एक तरह से लीडर हूँ मैम के साथ रहने से, और मैम ने सारा सपोर्ट मैम ने किया है और इसकी वजह से जो है ये सब काम महिलाओं से हम कराते भी हैं और उनको इसके काम करने की वजह से उनको बहुत फ़ायदा भी मिलता है। जो भी हम लोग काम कराते हैं उन्हें अपना घर चलाने के लिए थोड़ा सा उन्हें पैसा भी मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये सब हम लोग काम कराते हैं और उनसे हम लोग काम करा करके फिर यहाँ पर सेल करने की कोशिश। ट्रेनिंग में आप क्या क्या देती हैं, किस तरह की ट्रेनिंग? खाली सिलाई कढ़ाई है? नहीं, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर और जूट का सब जो है, या कोई भी जैसे कि कुछ भी। ज़्यादातर तो मैं ऑल ओवर हर तरह से एक चीज़ ट्रेनिंग दे देती हूँ, बेस्ट का ज़्यादा मैं दे देती हूँ। और ये जैसे सामान है, ये है स्वेटर बुनना और ये जो है हाथ से निटिंग का काम करना, इस तरह से जैसे ये आपने बनाया है, और ये बेस्ट से ये भगवान के कपड़ों से बचे हुए, मतलब जो उतार के लोग नदी में फेंक देते हैं ना और जला देते हैं, तो हम लोग इसको जलाने अब नहीं देते हैं। इसको जो है अच्छे से अच्छे रूप में भगवान के कपड़ों से ये सब हम लोगों ने बनाया है। हैंडवर्क, जी हैंडवर्क का पूरा काम, जो भगवान के कपड़ों से भी जो लोग फेंक देते हैं बेकार समझ करके, तो उसको हम लोगों ने इसको बनवा करके सभी महिलाओं को लगा कर बनवाते हैं और इस काम को करवाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ मैम का, प्रतिभा मैम का। कोई एज लिमिट भी है ट्रेनिंग में महिलाओं की? नहीं, लिमिट क्या है ट्रेनिंग में, जितनी भी महिलाएं काम करना चाहती हैं ट्रेनिंग अगर लेती हैं जन शिक्षण से, उसमें लिमिट होता है। जो हम काम करवाते हैं अपना ट्रेनिंग देकर उनसे काम लेते हैं और उन्हें इस माध्यम से उनको जो पैसा मिलता है, तो उसके लिए कोई भी वो नहीं है। जितने लोग चाहें काम करना उतने लोग काम करें। मेरा नाम ईशान गौड़ है और मैं शुद्ध भारत में वर्क करता हूँ। ये हमारे कम्प्लीट ये शुद्ध एथिकल प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। मिलेट्स हैं, बेसन है, आटा है। हमारा जो उद्देश्य है डायरेक्ट कस्टमर के घर तक, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर बीच में हमारे, ना कोई रिटेल बीच में है। चक्की से पीसा हुआ शुद्ध घर पे उनके कस्टमर के हम पहुँचाते हैं। होम डिलीवरी हमारा मेन काम है। ऑनलाइन डिलीवरी तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी होगा सर उसका? एक्स्ट्रा चार्जेस एक लिमिट होती है मैडम, एक तरीके से एक चार्जेस के ऊपर है, तो 1000 तक हम यहाँ लोकल लखनऊ में कोई चार्जेस नहीं लेते, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ डिलीवरी चार्जेज हमारा। देन उसके ऊपर उसका एरिया के हिसाब से लग जाता है चार्जेस। तो सर ये जो शुद्ध भारत आपका जो है ये आपकी आटा चक्की का नाम है कि एनजीओ? नहीं नहीं, एनजीओ नहीं, हमारा अपना प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है हमारे शुद्ध भारत के नाम से। हाँ ये तो हाँ सियोन हेल्थ केयर वर्किंग, हमारा सियोन हेल्थ केयर के नाम से कंपनी भी है। ये उसका एक शुद्ध भारत एक मिशन है, यानी शुद्ध हम शुद्ध माल अपने कस्टमर तक पहुँचाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। तो सर रेट में तो डिफरेंट होगा ही? रेट में थोड़ा डिफरेंस होगा, देन अदर देखिएगा हमारा जो है प्योरिटी के साथ है, गारंटी है। मार्केट से हम अपने आपको कंपटीशन में डालते हैं कि वो कैसा माल आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारा प्योरिटी के साथ है। तो चक्की से पिसा हुआ माल हमारा कस्टमर घर तक जाता है, ठीक है ना। तो रेट में डिफरेंस इतना नहीं है, बट हाँ कि क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट शुद्ध है, प्रोडक्ट जो में क्वालिटी अच्छी है, तो प्राइस उसके देन अदर थोड़े से कॉस्ट होंगे हमारे अदर, बाकी ठीक। मेरा नाम अल्पना राठी है और हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसके थ्रू हम स्वयं सहायता समूह भी चलाते हैं। ये प्रोडक्ट हमारी महिलाएं जो 250 हमसे जुड़ी हुई हैं उन्हीं के हाथों से बनाया। हमारा उद्देश्य उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ से हमारा सामान सेल हो सके। बनाना भी तो आसान है, उसको सेल करना थोड़ा मुश्किल, इसलिए हम यहाँ सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं उन्हीं महिलाओं के द्वारा। किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मसाले हैं और सारे अचार, इस तरह सारी चीज़ें हैं। एक तो हम हाँ इसलिए कहते हैं कि हमारा बिना कोई कलर नहीं है उसमें, कोई हाइब्रिड नहीं है,
सब देसी चीज़ें हैं और ज़्यादातर हाथ से कुटी हुई चीज़ें हैं। नमक है तो हाथ से कुटा जाता, मशीन का नहीं है, चक्की का कुछ नहीं है। और गेहूं भी सामान भी यहाँ, हाँ तो डिजाइनिंग थोड़ी अलग होगी और थोड़ा क्वालिटी भी फाइन होगी बाजार से मुकाबले। आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनका जो उन्होंने बताया कि जो स्टॉल लगा हुआ है वो स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं जो घर में बनाती हैं और कम रेट में है, वो उनको रोजगार देने का एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। और यहाँ पे कई NGO भी महिलाओं को ऐसे ही देने का, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें लगी हैं वो भी घर की बनी हुई हैं, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगी। और डेकोरेशन का सामान भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।